Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to FCA chapter wise test. Physics ke jo chapters is test mein shamil kiye gaye hain wo chapter number 8 hai first year ka, chapter number 9 and chapter number 10. MCQ number 8, 9, 18, 19 ye sequence physics ki hai. MCQ number 8, the distance between two consecutive crests in a wave train produced in a string is 5 cm. If two complete waves pass through any point per second, the velocity of the wave is 10 cm per second, 2.55. अच्छा ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है कि आपने मीटर को चेंज नहीं करना है. क्लियर? ओके, सिंपल सोल्यूशन देखते हैं इस एमसीक्यू का. एमसीक्यू नंबर 8, लैम्डा गिवन है 5 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़. टू कहाँ से आई? टू नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, टू नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. वी इज़ अननोन, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. वी इज इक्वल टू एफ की जगह 2, लैम्डा की जगह 5, टू 5 जा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर. व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम ईयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट? Remember, dear students, frequency does not change when light travels from one medium to another medium. Or when waves travel from one medium to another medium, frequency does not change. B is the best answer. Okay, MCQ number 18. MCQ number 18. At what temperature velocity of sound is double than that at 0 centigrade? At what temperature velocity of sound is double than that of at 0 centigrade? A, B, C and D. Means आपने velocity और temperature के दरमियान relation देखना है. Simple आपको ये बात का पता होना चाहिए कि velocity of sound का temperature के साथ जो relation है वो under root relation के साथ है, under root times. Clear? So V is directly proportional to under root temperature. Simple is equal to constant. कांस्टेंट आ गया है, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा. अच्छा, वी वन इज इक्वल टू सी कांस्टेंट टी वन, वी टू इज इक्वल टू सी टी टू. क्लियर? अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ. आगे जो सोल्यूशन है इसका यहाँ पे है. क्लियर? वी वन डिवाइड बाई वी टू, उन दो इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया है. वी वन डिवाइड बाई वी टू अंडर रूट टी वन डिवाइड बाई टी टू. वी टू डिवाइड बाई वी वन इज इक्वल टू टी टू डिवाइड बाई टी वन. याद रखें, आपको जो एग्जामिनर ने इन्फॉर्मेशन गिवन किया है वो है कि वी टू जो है वो वेलोसिटी के डबल हो गई है. क्वेश्चन ये है, अच्छा किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो वेलोसिटी है 0 सेंटीग्रेड पे, उसके डबल हो जाती है? तो वेलोसिटी डबल, वी वन के साथ कैंसिल, टी टू हमने मालूम करना है, टी वन 0 सेंटीग्रेड है जो 273 केल्विन के इक्वल है. ये आ गया है अंडर रूट टी टू डिवाइड बाई 273, टू यहाँ पे आ गया है. अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम सिंपल अंडर रूट स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 4, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 273 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1092 आ जाएगा, 273 से माइनस करेंगे 819 सेंटीग्रेड आ जाएगा, 819 सेंटीग्रेड आ जाएगा. क्लियर? ओके, आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की जगह n आ जाएगा. क्लियर? सिंपल 2 की जगह पे n आ जाएगा. ओके, अगर आप से कहा जाए, मतलब आप इसको सिंपल बनाना चाहें, सिंपल, सो लुक, आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन बन सकती है. लाइक 2 की जगह मैंने n लिख दिया है, n इज इक्वल टू अंडर रूट टी टू डिवाइडेड बाय 273. क्लियर? ओके, मैंने स्क्वायर दोनों साइड पे लिख दिया है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू टी टू डिवाइड बाय 273, और टी टू बराबर है एन स्क्वायर इनटू 273. अब आपने ये इक्वेशन जस्ट याद कर ली. क्लियर? नेक्स्ट टाइम इस किस्म का क्वेश्चन आए नेक्स्ट टाइम, तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है कि वेलोसिटी जितने टाइम ज़्यादा होती है तो उसकी जगह हम n पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, तो ये 2 हो गया है.
थ्री टाइम्स तो थ्री हो जाएगा, फोर टाइम्स तो फोर हो जाएगा, फाइव टाइम्स तो फाइव हो जाएगा। तो एक शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट स्किल्स हैं, क्लियर, शॉर्ट फार्मूला है जिसमें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि भाई वेलोसिटी इस टेम्परेचर पे इस इतने टाइम्स हो जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा। तो ये वो फार्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये फार्मूला फॉलो करना है। एन की जगह टू, टू इंटू टू सेवन, टू टू ज़ा फोर, फोर इंटू टू सेवेंटी थ्री। और आखिर में अगर केल्विन में आंसर गिवन है तो केल्विन, सेंटीग्रेड तो सेंटीग्रेड। क्लियर, ओके, गुड। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times दैट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज ऑफ साउंड वेव्स। क्लियर, ओके। तो याद रखें, वेलोसिटी और मास के दरमियान जो रिलेशन है, वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, तो मास के साथ भी इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो चेक करें, इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऐसे है तो इस तरफ ऐसे हो जाएगी। क्लियर, सो वी हाइड्रोजन रेशो वी ऑक्सीजन इज इक्वल टू एम ऑक्सीजन रेशो एम हाइड्रोजन, 16 और 1, 4 रेशो 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। क्लियर, इसके लिए भी आप एक शॉर्ट चीज़ जो है उसको अपने साथ नोट कर लें, दैट इज़ वी हाइड्रोजन इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ वी ऑक्सीजन। क्लियर, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा VH इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में वेलोसिटी 10 है तो हाइड्रोजन में 40 हो जाएगी, ऑक्सीजन में वेलोसिटी 20 है तो हाइड्रोजन में 80 हो जाएगी, ऑक्सीजन में वेलोसिटी 100 है तो हाइड्रोजन में 400 हो जाएगी। क्लियर, एक और शॉर्ट फार्मूला अपने पास नोट कर लें। क्लियर, ओके। नाउ इसके बाद एमसीक्यू नंबर 28, अ बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैन नॉट बी हर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हम ये एक्सप्लोजन सुन नहीं सकते। रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ, साउंड वेव रिक्वायर्ड मिटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। 28 जो है आप उसको आसानी से देख सकते हैं। 29, एमसीक्यू नंबर 29, इफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 2:1 देन द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के दरमियान रेशो मालूम करने का कहा गया है। ओके, एमसीक्यू नंबर 29 है, 29 और से देखें, एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है 2:1। क्लियर, मैक्सिमम और मिनिमम का आपसे आंसर पूछा गया है। तो याद रखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेक्टर है, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसको हम स्केलर एडिशन करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे सिंपल कोई पूछ रहा है कि भाई एक वेक्टर 2 है और एक वेक्टर 3 है, इसका मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, तो आप उनको बताएं कि भाई 2+3 ये मैक्सिमम है और 3-2, 1 ये मिनिमम है। क्लियर, इसका मतलब है कि जब आप उनको ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा, सपरेट करेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा। तो एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है, आपने इसको कैसे करना है, सिंपल इन चीज़ों को प्लस करेंगे और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, प्लस करेंगे तो इसका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। गौर से सुने, जब एम्पलीट्यूड गिवन हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी का पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर, गुड। एमसीक्यू नंबर 38 इसी किस्म का है, लेकिन एक और अंदाज से मैंने पूछा है। एमसीक्यू नंबर 38, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटी इन द रेशो 9:4, द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। एमसीक्यू नंबर 29 में एम्पलीट्यूड गिवन था, एमसीक्यू नंबर 38 में मुख्तलिफ इंटेंसिटीज गिवन है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछा गया है।
अच्छा, मैंने आपको जो मेथड बताया था उसमें अगर आपके पास एम्पलीट्यूड हो तो आप मैक्सिमम मिनिमम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है लेकिन इसने एक और काम किया है, इसने इंटेंसिटीज दी हैं I1 I2, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है बल्कि एक आम इंटेंसिटीज हैं, कोई भी दो हैं। अच्छा, तो I1 9 I2 4, अगर मैं इंटेंसिटी का स्क्वेयर रूट ले लूँ तो इससे एम्पलीट्यूड आ जाएगा। देखें, एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर लूँगा तो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी का, ये कोई भी इंटेंसिटी है मैक्सिमम नहीं है, इंटेंसिटी का स्क्वेयर रूट लूँगा तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इसका स्क्वेयर रूट लूँगा तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। नाउ A1 A2 इज इक्वल टू 3:4। अब यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन बन गया है A1:A2 एंड नाउ A1:A2 3:2 और फिर उसके बाद प्रीवियस सोल्यूशन। ओके गुड। नाउ MCQ नंबर 39, क्लियर। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 48, ये MCQ जो है ये 2017 में आया है और ये टेक्निकल MCQ है। टू ट्यूनिंग फोर्स व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज 256, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इंक्रीज व्हेन द फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर फोर्क इज। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्लियर, और आसान है, कोई मसला नहीं है, क्लियर। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी 1 है ए की वो 256 है, नंबर ऑफ बीट्स 4 हैं। और से सुनिए, अगर नंबर ऑफ बीट्स 4 हैं और ये फ्रीक्वेंसी 256 है तो अदर ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी 260 भी हो सकती है और 252 भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप बीट्स को ऐड करके अगली फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं और सेपरेट करके अगली फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। या मैं आपसे सिंपल पूछूं कि 260 और 256 के दरमियान नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे तो आप कहेंगे 4, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 252 और 256 के दरमियान नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे 4, तो इन दोनों में अब हम कंफ्यूज हैं कि भाई आंसर कौन सा है। अगर आंसर इन दोनों में से एक होगा तो वही हमारा आंसर है, अगर दोनों होंगे तो फिर हम कन्फ्यूज हैं और इसके लिए हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन की इंतहाई ज़रूरत है, क्लियर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो क्या ले रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए सी और डी दोनों ऑप्शन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इंक्रीजेज व्हेन द फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स। ओके, तो चले मैंने इसको लोड कर दिया है, ए के मुकाबले में ये ए लोड हो गया है। याद रखें, जब लोड होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लोडेड का मास ज़्यादा होगा और लोडेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लोडेड का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्लियर। ओके, ये लोड हो गया है, लोडेड के बाद जो नंबर ऑफ बीट्स हैं अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं, वो इंक्रीज हो गए लोडिंग के बाद, इसको लोडिंग के बाद नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। आपने बताना है कि बी क्या हो सकता है, क्लियर। तो अगर गौर से देखें, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 252 था, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, और ये क्या है 256, लोडिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 255, मतलब कम हो जाएगी, क्लियर, कम हो जाएगी। ओके, लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अच्छा, हमने सपोज़ किया कि 252 है और लोडिंग के बाद ये क्या होगी 255, तो 255 और 252 के दरमियान नंबर ऑफ बीट्स क्या बनते हैं 3। इसका मतलब है कि अगर ये 256 है और ये 252 है और ये लोडिंग के बाद 255 बन गया है तो इनके दरमियान बीट्स ज़्यादा होने की बजाय कम होंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर सही नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, दोबारा गौर से सुने। अब ये क्या है 260, ये क्या है 256, लोड करने के बाद क्या बन गया है 255, 255 और 260 के दरमियान नंबर ऑफ बीट्स कितने बनेंगे 5, इसका मतलब है 4 से 5 ज़्यादा हो गया है, तो द बेस्ट आंसर इज 260। अब एक सिंपल ट्रिक सुने, लोडिंग के बाद अगर नंबर ऑफ बीट्स ज़्यादा होंगे तो जो फ्रीक्वेंसी दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है उसमें कम वाला हमारा आंसर होगा, क्लियर। ओके, अगर नंबर ऑफ बीट्स ज़्यादा होंगे क्लियर, तो सिंपल इस क्वेश्चन में आप गौर से देखें, क्लियर, ये लोडिंग के बाद नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ बीट्स
ज़्यादा हो गए हैं. ओके, तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो जो सही आंसर है दैट इज़ 260. क्लियर, आसान है. देखें, मैंने आपको डिटेल में समझाया है, ये 256 है. लोडिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, 255 हो गई है. लोडिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 255 हो गई है. क्लियर, ओके. अब इन दोनों में से अगर 252 हमारे पास सही आंसर था, तो 252 और 255 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम हो गया है. लेकिन ये कह रहा है कि ये नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर था सही वो 260 आ रहा है. क्लियर, ओके, गुड. नाउ 49 में चेक करें. 49 अट्यूनिंग, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा गौर से देखें. अट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 व्हेन साउंडेड टुगेदर विद नॉन ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड. ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नाउन एंड साउंडेड टुगेदर द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 प्रोड्यूस 1 बीट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर ट्यूनिंग फोर्क इज. क्लियर, गौर से देखें. अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़े से अलग अंदाज में है. ओके, नाउ ये ए है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, नंबर ऑफ बीट्स 2 हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 102 हो या 98 हो. लोडिंग बी को हमने लोड किया है, बी को लोड किया है. तो अगर बी को लोड किया है, फॉर एग्जांपल 98 को हमने लोड किया है, 98 को लोड करेंगे तो 98 से क्या बन जाएगा, 97 बन जाएगा. 97 बनेगा और ऑलरेडी ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 100 है, तो इनके दरमियान गेप क्या बन गया है, 3 बन गया है. क्लियर, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि 3 नहीं है, नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं. नंबर ऑफ बीट्स कम हो गए हैं, इसका कम का मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी. क्लियर, अब 102 आंसर आ गया है. 102 आंसर आ गया है. 102 को लोड करने के बाद, 102 को लोड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 101. अब 101 और 100 के दरमियान नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 1. यस, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज 102. ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसको समझना है अच्छी तरीके से. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है, इसी हवाले से मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको. एमसीक्यू नंबर 58. इफ टू ट्यूनिंग फोर्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड. ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स. They produce 2 beats when sounded again. The frequency of A is 256. Frequency of B will be. Okay. Now check करें. एक और आसान question. A की frequency क्या है, 256. B या 260 है या 252 है. Clear? Loading के बाद. ये ऊपर वाला question है, लेकिन उसमें beats confirm नहीं थे, इसमें beats confirm हो गए हैं. Loading के बाद number of beats क्या हो गए हैं, कम. वहाँ पर beats ज़्यादा हुए थे, यहाँ पर beats कम हो गए हैं. लोडिंग के बाद नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं. आपने बताना है कि बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. क्लियर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 256. क्लियर, लोड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, लोड करने के बाद ये बन जाएगा, इसको लोड करने के बाद ये बन जाएगा 254. अब नंबर ऑफ बीट्स, इस और इसके बीच में नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 2. इस और इसके बीच में नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 6. तो उसने मुझे कितने बताए हैं, 2. तो इसका मतलब है कि सही आंसर क्या है, 252. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट इज द टू ट्यूनिंग फोर्स हैव फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज एंड 454 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली. ऑन साउंडिंग दीज फोर्स टुगेदर द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी. तो सिंपल इसको याद रखें, जो टाइम बिटवीन मैक्सिमा है वो 1/n के बराबर है. n कितने हैं, 4. टाइम इज इक्वल टू 1/4. इसका मतलब है कि एक सेकंड में अगर 4 नंबर ऑफ बीट्स हैं, गौर से सुने, एक सेकंड में दग 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 4 किस्म के दग दग हो रहे हैं. बीट्स दिल की धड़कन को कहते हैं. क्लियर, जिस तरह दिल धड़कता है इस तरह इसको बीट्स कहते हैं. तो एक सेकंड में 4 नंबर ऑफ बीट्स हैं, दग 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 दग, तो दो दग दग के दरमियान टाइम कितना होगा, दो दग दग के दरमियान टाइम 0.25 सेकंड होगा, 1/4 के बराबर है. क्लियर, गुड, ओके. एमसीक्यू नंबर 68 को आप लोग पढ़ें. ये टू वाइब्रेटिंग डेज नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट इज. क्लियर, आप इसको स्टिल करके क्वेश्चन गौर से पढ़ें और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ. क्लियर, ये इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 4 sin 500 pi t. This standard equation,
ए साइन टू पाए एफ, एफ मिसिंग है, ये रहा हमारा एफ, क्लियर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ है और यहाँ पे जो चीज़ है इसको कंपेयर करते हैं। 500 पाई टी टू पाई एफ टी, टी टी के साथ कैंसिल, पाई पाई के साथ कैंसिल, 2f इज इक्वल टू 500, f इज इक्वल टू 50। ए की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई है, दोनों के दरमियान नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 3, 3 पर सेकंड, 3 आंसर में भी है लेकिन उसने मांगा पर मिनट है। तो अगर एक सेकंड में 3 बीट्स हैं, 2 सेकंड में 6, 3 सेकंड में 9, 4 सेकंड में 12, 5 सेकंड में 15, 60 सेकंड में 180 बीट्स हो जाएंगे, क्लियर। Which property makes difference between progressive and stationary waves? Propagation of energy. Energy एक में propagate हो रही है, दूसरे में propagate नहीं हो रही है। 78, MCQ number 78, और से पढ़ें। Closed pipe and an open pipe have their first overtones identical in frequency. Their lengths are in ratio. फिर से बता रहा हूँ, Closed pipe and open pipe, MCQ number 78, आपको बताया गया है कि भाई इनके जो फर्स्ट ओवरटोन्स हैं वो सेम हैं, आपने इनका लेंथ इन रेशो फाइंड करना है, क्लियर, ओके। तो याद रखें जो इनके लेंथ फ्रीक्वेंसी ओवरटोन्स, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक को कहते हैं, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक को कहते हैं, थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक को कहते हैं, क्लियर। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। एफ क्लोज इक्वल टू एफ ओपन, 2f1 इज इक्वल टू 3f1। फर्स्ट ओवरटोन इज एक्चुअली सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक। एफ वन की जगह वी बाई टू है, क्लोज के लिए मैं सिंपल इसको सॉल्व करता हूँ, ओके। नाउ जस्ट आप थोड़ा सा वेट करें, ओके। Now simple, F close is equal to F open. First overtone is actually second harmonic. Clear? Close के लिए, okay? Close के लिए ये 3 बन जाएगा, okay? या simple इसी को आप कैरी करें, ओके। इसको आप ओपन कर दें और इसको आप क्लोज कर दें, क्लियर। ओपन दिस, ओपन सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। क्लोज की जगह मैंने वी बाई 4L लगा दिया है और यहाँ पे वी बाई 2L, 2 के साथ कैंसिल, वी के साथ कैंसिल, ये जो रह गया है दिस इज एक्चुअली ओपन और ये जो रह गया है दिस एक्चुअली क्लोज, क्लियर। तो ओपन रेशो क्लोज बराबर है 3:4, ओके। 3:4 इज द बेस्ट आंसर। नाउ इट इज डिजायर टू इंक्रीज द फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन अ ट्यूब विच इज क्लोज एट वन एंड। ओपन ट्यूब की बात कर रहा है, ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर है वी बाय 12, ओके। वी कांस्टेंट है तो आप एल को चेंज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्लियर। एल चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। ये रहा ओपनिंग डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ओके। इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करेंगे तो लेंथ डिक्रीज करेंगे। 88, अ क्लोज आर्गन पाइप एंड एन ओपन आर्गन पाइप आर ट्यून टू द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ, ओके। ये सिंपल इनर क्वेश्चन। अब इसमें ओवरटोन की बात नहीं कर रही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की बात की गई है, ओके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में क्या होगा, ये सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम पुट करेंगे। क्लोज के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, वी बाय 4L। ओपन के लिए क्या है, वी बाय 2L, वी के साथ कैंसिल, 2-4 के साथ कैंसिल। तो सिंपल वी क्लोज रेशो वी ओपन इज इक्वल टू 1:2, क्लियर, ओके। 1:2 इज द आंसर, ओके। नाउ आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली MCQ number 89. If fundamental frequency of closed pipe is 50 hertz, then frequency of second overtone is. Second overtone जो है वो actually, second overtone actually third harmonic है, okay?
सेकेंड ओवरटोन एक्चुअली थर्ड हारमोनिक है, थर्ड हारमोनिक 5F1 है क्लोज के लिए, F1 की जगह 50 to 50 आ जाएगा, ओके 108 MCQ नंबर 98। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4I आर सुपर पोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी द रिजल्टिंग बीम आर, ओके तो इंटेंसिटीज गिवन है, फिर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी से हम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएंगे और एम्पलीट्यूड से वापस जैसे हमने ऑलरेडी किया है उसी तरह वापस आ जाएंगे। ये रहा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से हम एम्पलीट्यूड की तरफ आए हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एम्पलीट्यूड को प्लस करेंगे और एम्पलीट्यूड को माइनस करेंगे, 9:1 आंसर आ जाएगा, क्लियर। वेव फ्रंट ऑफ अ वेव हैज डायरेक्शन विद वेव मोशन परपेंडिकुलर, क्लियर। वेव फ्रंट हर पॉइंट पे, ये वेव फ्रंट में ड्रा किया और ये प्रोपगेशन की, क्लियर। तो हर पॉइंट पे वेव फ्रंट जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके गुड। नाउ 180 एमसीक्यू नंबर 180 द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय दिस, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव इज, इंटेंसिटी गिवन है, एम्पलीट्यूड की तरफ जाना है, आपने जस्ट क्या करना है, स्क्वेयर रूट ले लेना है, क्लियर। 108 दिस इज द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज एंड रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके 109 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, तो सिंपल याद रखें वेलोसिटी जो है वो सी बाई एन के बराबर है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ये 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा, क्लियर। डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड लाइट की कम होती जाएगी, ओके। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इल्यूमिनेटिंग द स्लिट इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, ब्लू का वेवलेंथ जो है, ब्लू का वेवलेंथ वायलेट के मुकाबले में कम है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी वायलेट के मुकाबले में ज़्यादा है, क्लियर। सॉरी वायलेट की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा है और वायलेट की का वेवलेंथ ब्लू के मुकाबले में कम है, तो हम चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, क्लियर। तो ब्लू का वेवलेंथ वायलेट की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ ब्लू के मुकाबले में कम है, क्लियर। तो अगर वायलेट की तरफ जाएंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेमडा के साथ ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 119 डायफ्रेक्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सजेस्ट, याद रखिए डायफ्रेक्शन क्या करता है, डायफ्रेक्शन ये बता रहा है कि भाई लाइट वेव है, डायफ्रेक्शन ये बता रहा है कि लाइट वेव है, बी इज द बेस्ट आंसर, ओके। 128 पोलराइज्ड ग्लास इज यूज इन सनग्लास बिकॉज, ऑप्शन ए द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 and 0, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल नजर आ रहे हैं, देखें 1 - T2 0 पुट किया है, 0 तो केल्विन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, तो ये सेंटीग्रेड है। 273 and 303 अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, 273 की जगह लगा दें क्या 270, 303 की जगह लगा दें क्या 300, ओके नाउ 300 - 270 30 by 300 1/10 सिंपल आंसर 10 आ गया है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन आप इसको राउंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट वेपन्स हैं इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। नाउ साइक्लिक प्रोसेस में ओवरडन क्या होता है, 0 कार्नोट इंजन 100 एफिशिएंसी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 स्केल एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल नहीं है। 148 ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग अ मेटल सरफेस विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन सरफेस बिकॉज, आप सुबह सवेरे उठते हैं और आप स्टील के किसी भी सब्सटेंस को टच करते हैं तो आपको वो ठंडा फील होता है बनिस्बत दरख्त के, बनिस्बत लकड़ी के, रीज़न क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी मेटल सरफेस की ज़्यादा है, ओके। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वार्डन रिक्वायर्ड होता है, क्लियर, ओके। 158 डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स और साउंड इजिली डायफ्रेक्ट होता है इसीलिए आप जब बातें करते हैं तो आपके एयर गिर लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई देती है, इवन दीवार के उस तरफ से भी आवाज़ आ जाती है, साइड से भी आवाज़ आ जाती है,
ये रीज़न क्या है, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गर वेव लेंथ है, इनकी वेव लेंथ लॉन्गर है और डायफ्रेक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सिंपल हमें कह रहा है कि भाई क्यू जो है ये इंटरनल एनर्जी और वर्डन के बराबर है, तो इंटरनल एनर्जी क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है। ओके, वेरी सिंपल आंसर, बी इज द बेस्ट आंसर। ओके, नाउ 168 टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद इन एफिशिएंसी 70% इज 1000 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ इट सिंक इज 70% एफिशिएंसी है, 70% एफिशिएंसी है, कितना ज़ाया हो रहा है, कितना ज़ाया हो रहा है, कॉमन सेंस है, अच्छा कितना ज़ाया हो रहा है, 30% ज़ाया हो रहा है, तो 100 का 30% 30 है, 1000 का 30% 300 है, कॉमन सेंस से सॉल्व करें, इक्वेशन है हमारे पास, आप लोगों को बखूबी पता है, लेकिन जस्ट आप कॉमन सेंस को सॉल्व करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, 178 एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100% इफ T2 इज 0, टू ऑब्जर्व डायफ्रेक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल कंपेरेबल सेम ऑर्डर, क्लियर, शुड बी सेम ऑर्डर, डायफ्रेक्शन के लिए कंपेरिजन जरूरी है। ओके, 188 तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ फिनोमेना ऑब्जर्व विद लाइट, इट इज नेसेसरी टू रिटेन द वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन द, तो याद रखें डायफ्रेक्शन जरूरी है ताकि वेव नेचर का पता चले। पोलराइजेशन कौन से लाइट के लिए, कौन से वेव के लिए पॉसिबल नहीं है, साउंड वेव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूडर हैं, पोलराइज नहीं होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज डबल, इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर, इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो डी इज द बेस्ट आंसर। ओके, द फर्स्ट लेबोरेटरी डिटरमिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वॉज मेड बाय फीजू और फोकाल्ड ने भी अटेम्प्ट किया था, क्लियर, और रूमर जो था वो एक फिलासफर एस्ट्रोनॉमर था, उसने भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन प्रॉपर जो स्पीड ऑफ लाइट दिया था जिसपे नोबेल प्राइज मिला है, दैट वॉज माइक हेल्सन। विश यू बेस्ट ऑफ लक।